नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे आज दुनिया सक्सेसफुल हो रही है और इस पे खोज होती ही जा रही है और बिल्कुल मतलब अविश्वसनीय रिजल्ट सामने आ रहे हैं। चलो देखते हैं पहले कि नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। नैनो आकार 1 से 100 नैनोमीटर 10^-9 मीटर के पदार्थों के अध्ययन व उनसे जुड़ी तकनीकों को नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत माना जाता है, परंतु वैज्ञानिक एक वर्ग इसे नैनो विज्ञान कहते हैं। तांबा जो अब देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी करती क्या है, कैसे करते हैं। तांबा जो अपारदर्शी है, नैनो स्तर पर पारदर्शी हो जाता है। समझ रहे हैं आप, नैनो स्तर पर इतनी छोटाई पे वो पारदर्शी हो जाता है, वैसे अपारदर्शी होता है। सोना जिसे एक अक्रिय धातु माना जाता है, नैनो स्तर पर आदर्श उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। तो उस हिसाब से उस समय उतने छोटे मतलब एक एटम को उठाना, उस कैसे समझे मतलब ना वो एक परमाणु के आकार का है, परमाणु से थोड़ा बड़ा है, और उसको उस हिसाब से एडजस्ट करना, उस हिसाब से टेक्नोलॉजी तैयार करना, उनको आपस में जोड़ना, और उसे बहुत ही खतरनाक रिजल्ट भी आते हैं कभी कभी, और बिल्कुल सही सही बैठ जाए ऐसा करना, ये है नैनो टेक्नोलॉजी। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप तथा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के निर्माण से परमाणु स्तर पर सतहों की इमेजिन करना आसान हो गया है। नैनो स्तर के पदार्थों को इच्छित आकार देने के लिए फैब्रिकेटर तथा असेंबलर की अभिकल्पना की गई है और इनका विकास किया जा रहा है। फैब्रिकेटर स्वतंत्र अणुओं को इच्छित आकार प्रदान करेंगे, स्वतंत्र जितने अणु होते हैं उनको इच्छित आकार प्रदान करेंगे जो नैनो टेक्नोलॉजी से फैब्रिकेटर बनेंगे। अब नैनो प्रौद्योगिकी की विधि देख लेते हैं। टॉप डाउन व बॉटम अप तकनीक है, इसमें दो तकनीक इसमें बताई है, टॉप डाउन और बॉटम अप तकनीक। अब टॉप डाउन के अंतर्गत, नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पदार्थों के नैनो स्तर पर निर्माण के लिए इच्छित आकार प्रकार वाले पदार्थ की आवश्यकता है कि आपको कौन सा काम क्या करना है, तो उसके लिए इच्छित आकार की जरूरत पड़ती है और उसी हिसाब से पदार्थ भी होना चाहिए, जिसके लिए टॉप डाउन या बॉटम अप तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। टॉप डाउन तकनीक में यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा वृहद संरचनाओं, बड़ी संरचनाओं पर नैनो स्तरीय उत्पादों का निर्माण किया जाता है। इसके लिए किसी पदार्थ के छोटे छोटे कणों को निरीक्षण या प्रेक्षण के माध्यम से इच्छित आकार में लाया जाता है। उसके छोटे छोटे कणों को निरीक्षण करके या प्रेक्षण के माध्यम से इच्छित जो आकार आपको चाहिए उस आकार में लाया जाता है। बॉटम अप तकनीक में नैनो स्तर पर संरचनाओं के निर्माण में पर्याप्त सटीकता का ध्यान रखना पड़ता है। वही बॉटम अप तकनीक में नैनो स्तर पर जैव और अजैव संरचनाओं का निर्माण किया जाता है तथा इसके लिए तकनीक के माध्यम से लघुतम उप इकाइयों, अणु या परमाणु को एक एक करके जोड़कर एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं जो बॉटम अप होती है। वर्तमान में नैनो प्रौद्योगिकी का विकास टॉप डाउन क्रियाविधि के द्वारा हुआ है। बॉटम अप तकनीक की चर्चा अभी सैद्धांतिक स्तर पर ही है, मतलब बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर जाना, टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे आना। नैनो तकनीक एक सामान्य प्रयोजन प्रौद्योगिकी है, विद्युत तथा कंप्यूटर की तरह यह जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी। इसके प्रयोग से उत्पाद की गुणवत्ता तथा उत्पादन प्रक्रिया दोनों का उन्नयन होगा। नैनो तकनीक के प्रयोग से वस्तुओं के उत्पादन की लागत में कमी आएगी, मतलब ऐसे जैसे आपने कोई लैपटॉप बनाया वो किसी महंगे पदार्थ से बनाया, कैसे बनाया, ये क्या करेगा, बिल्कुल सस्ते सूक्ष्म पदार्थ जो बहुत सस्ते होंगे उनको आपस में जोड़ेगा, जो जुड़ सकते हैं जोड़ेगा, और ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा जो हल्के होंगे, सस्ते होंगे और ज़्यादा दिन तो काम करने वाले होंगे, अविश्वसनीय लगता है लेकिन बनाता है। उपकरण में ऊर्जा की खपत भी कमी आएगी, उपभोक्ता बढ़ेगी तथा पर्यावरण मित्र उत्पादों का विकास होगा। परंतु नैनो प्रौद्योगिकी के विकास का दूसरा पक्ष भी है, परमाणु प्रौद्योगिकी की तरह इसका पूरा प्रयोग, उसका दूसरा प्रयोग भी संभव है। समझ रहे हैं आप, परमाणु जैसे वॉर होता है ना, वैसे इसका भी प्रयोग संभव है, क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यू प्रक्रिया इसकी भी रहती है, तो ये फटने का चांस है इसके भी रहते हैं। इसके विकास में अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, इजराइल, दक्षिण कोरिया अग्रणी हैं। उच्च तकनीक से बने टेनिस, जो टेनिस खेलते ना, सौंदर्य प्रसाधन आदि बन रहे हैं अभी इससे। नैनो प्रौद्योगिकी के संभावित लाभ व हानियां अभी हम देखेंगे। नैनो पदार्थ क्या होते हैं? नैनो पदार्थ वो होते हैं जो 100 नैनोमीटर से कम का आयाम रखते हैं। नैनो पदार्थ एक आयामी से लेकर बहु आयामी हो सकते हैं। दो आयामी में नैनो तार, अजैविक नैनो ट्यूब शामिल है। वर्षा की बूंदें, कोलाइडर, क्वांटम बिंदु क्या होते हैं? अर्धचालक पदार्थों के सूक्ष्म कण को क्वांटम बिंदु बोलते हैं। त्रियामी नैनो पदार्थ होते हैं, मतलब थ्री डायमेंशनल।
नैनोमीटर आकार के कणों से निर्मित नैनो क्रिस्टली पदार्थ भी इसी श्रेणी में आते हैं। नैनो कण प्रकृति में भी व्यापक रूप से पाए जाते हैं। फोटो रासायनिक एवं ज्वालामुखी क्रियाशीलता के उत्पादों के रूप में या पौधों एवं शैवालों द्वारा निर्मित उत्पादों के रूप में वर्तमान में वाहनों के धुएं से भी नैनो कण का निर्माण होता है। सोचिए संभावित लाभ क्या क्या हो सकते हैं, इसे वो हम देखते हैं। इससे सस्ते और उच्च कार्यक्षमता के नैनो सेल बनाए जा सकते हैं। नैनो मटेरियल से बने एलईडी काफी ऊर्जा दक्ष होते हैं, ऊर्जा की बचत भी होती है। नैनो कैटलिस्ट इंजनों में दहन प्रक्रिया को अत्यंत बेहतर बनाया जा सकता है और उससे ईंधन भी बचता है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास किया जा सकता है ताकि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम हो सके। नैनो तकनीकी की मदद से कृषि उत्पादकता भी बढ़ाई जा सकती है क्योंकि जेनेटिक सुधारों के माध्यम से फसलों को सूखा या जल अधिकता के प्रति अधिक प्रतिरोधक बनाया जा सकता है। ये क्या करेगा कि वो एक नैनो पार्टिकल अंदर भेजेगा जो उस फसल के इसके पार्ट से रिएक्शन करेगा, उसकी पानी मतलब अगर खेत में पानी कम भी है तो फसल सूखे ना, वो उसको मेंटेन करके रखेगा। जो नैनो पार्टिकल हमने कृत्रिम रूप से अंदर डालेंगे उसकी क्षमता बढ़ाएगा और उसके जेनेटिक सुधारों के माध्यम से फसलों को सूखा या जल उसके जेनेटिक जो जेन उसके वो है ना जेनेटिक प्रभाव जो होता है उसको ही हम सही कर देंगे। जो मतलब एक नई नस्ल का पौधा होगा जो कम पानी में भी जीवित रहेगा। जल शोधन और सीवेज ट्रीटमेंट में भी ये तकनीक उपयोगी हो सकती है। अब उसकी हानियां देख लेते हैं। नैनो कण की चिंताएं कृत्रिम नैनो कण और नैनो ट्यूब के संभावित प्रभाव से जुड़ी है। एक बार इसके हम फायदे देख लेते हैं, पूरे इसके वीडियो देखते हैं। ये इसने लिया ग्लव्स, थोड़ा हम पीछे हलते हैं और आपको दिखते हैं। ये देखिए नैनो टेक्निक वाले पे, वो पत्थर वाले पे उसमें पूरा बिछ गया, इसमें नहीं होता। ये देखिए आराम से कोटिंग इसमें भी होगी, इस नट पे भी होगी, लेकिन वो आपको दिखेगी नहीं। इसमें जो पूरा गंदा हो गया ना, इसमें आपको दिखेगा नहीं। ये है नैनो टेक्नोलॉजी। ये देखिए अब देखिए पानी में नैनो टेक्नोलॉजी के ग्लव्स कैसे काम करेंगे। ये गीला हो गया, वो भी सूखा ही। अब ये कीचड़ में कैसे काम करेगी वो देखिए। देखा अब ये है नैनो टेक्नोलॉजी। अब ऑयल के साथ कितना हमारा खर्चा बच जाएगा, ग्लव्स बर्बाद होते हैं रिएक्शन ही नहीं कर रहा आखिरी का, या तो उस ग्लव्स की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है कि वो पानी को अब्जॉर्ब ना करे, ऑयल को अब्जॉर्ब ना करे। ये देखिए इसके ऊपर गंदा पोवो फेंका जाएगा, उसमें कुछ नहीं हुआ, नीचे गिर गया और ये पूरा निकाल हो गया नॉर्मल पत्थर का। तो ये था इसके फायदे, आपने देखे। अब देखते हैं हानियां इसकी क्या क्या हो सकती हैं। नैनो कण की चिंताएं कृत्रिम नैनो कण और नैनो ट्यूबों के संभावित प्रभावों से जुड़ी हैं क्योंकि ये पदार्थ किसी से पदार्थ से जुड़ने के बजाय स्वतंत्र होते हैं, ये किसी पदार्थ से जुड़ते नहीं हैं। अगर जैसे आपने बोला किसी पेड़ के अंदर डाला ना आपने इसको कि हाँ भाई तू पानी कम पानी में भी जिंदा रह लेगा, तेरे में क्वालिटी बढ़ा रहा हूँ, तो ये उसके पेड़ के अंदर पदार्थ से जुड़ेंगे नहीं, वो उसकी कार्यशीलता स्वतंत्र होंगे और उसी के हिसाब से मैच करके उसके साथ काम करते रहेंगे, उसको जिंदा बनाए रखेंगे। ऐसा है प्रति इकाई द्रव्यमान स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक विषैले भी हो सकते हैं विषैले भी हो सकते हैं। ये भी देखा गया है कि नैनो कण बड़े कणों की अपेक्षा कोशिकाओं में अधिक तेजी से प्रवेश करते हैं। अभी तक कोई तकनीक नहीं तैयार हुई है जिससे मनुष्य के लिए नैनो कणों का मतलब मनुष्य के शरीर में नैनो कण जो घुस गए उसकी जो स्पीड है उसकी क्वांटिटी उसको नियंत्रण करने के लिए अभी कोई भी तकनीक तैयार नहीं हो सकी है, और अगर ज्यादा अंदर चले गए तो ये कोशिका को क्षतिग्रस्त भी कर सकते हैं, इसलिए भी मनुष्यों पर कम इसका प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण पर नैनो कणों के प्रभाव के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि अपने बढ़ते हुए पृष्ठ क्षेत्रफल और संभावित वर्धित अभिक्रिया क्षमता के कारण ज्वलनशील नैनो कण विस्फोटक के एक बड़े हुए खतरे का कारण बन सकते हैं। मान लो आपने किसी मनुष्य में ही डाल दिया, वो विस्फोटक निकले, वो अंदर जाके बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे ब्लास्ट से हो जाएंगे, इसीलिए बोलते हैं ये वॉर में भी यूज किया जा सकता है इसका, इस वजह से कारण। तो एक समझ लीजिए आप फ्यूचर का हथियार बन गया है नैनो टेक्नोलॉजी, मनुष्य शरीर में घुस सकते हैं और गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। नैनो कण अजैव निम्नीकरणीय नॉन बाय बाय
मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब इनको नष्ट नहीं किया सकता। अतः ये एक नए प्रकार के अजैव प्रदूषक के रूप में सामने आ रहा है। एक तो हमारा प्लास्टिक थी, अब ये भी आ रहा है। खाद्य श्रृंखलाओं नदियों को भी प्रदूषित कर सकते हैं, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में जहाँ मिलेंगे आगे बढ़ते जाएंगे उसकी जो रियल क्वालिटी है सब्जी की वो खराब कर देंगे। नदियों में मिलेगा तो पानी के थ्रू आप शरीर में जाएंगे, है ना, प्रदूषित कर सकते हैं। ये अत्यधिक रासायनिक सक्रिय होते हैं, वे प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन कणों को उत्पन्न करते हैं। इन कणों की उत्पत्ति नैनो टॉक्सिलॉजी का कारण है। इससे ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन होती है, साथ ही प्रोटीन डीएनए कोशिका झिल्ली आदि के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। फायदे तो हैं साथ में नुकसान भी हैं। नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जीवन विज्ञान के क्षेत्र में ऊतक अभियांत्रिकी के अंतर्गत क्षतिग्रस्त ऊतकों का प्रतिस्थापन अथवा नए ऊतकों का संवर्धन किया जाता है। इस कार्य में अधिकांशतः सोने व लोहे के नैनो कण प्रयुक्त होते हैं। रसायन विज्ञान तथा पर्यावरण के क्षेत्र में इनका क्या प्रयोग है वो भी देख लेते हैं। अभी तो हमने ये देखा ही रसायन विज्ञान ही तो था, अभी ये देखते हैं। ये जूते बने हुए हैं फौजियों के लिए, कितना ठीक है। देख सकते हैं आप, देख रहे हैं एक सिंगल कार्बन उसे, मतलब स्टील से भी कितना मजबूत था ये। आयनों को छानने के लिए नैनो, अभी हम रसायन विज्ञान के और पर्यावरण क्षेत्र में इसका उपयोग देखेंगे। आयनों को छानने के लिए नैनो फिल्टर का निर्माण, जिसका प्रयोग डायलिसिस के दौरान किया जाता है। जल प्रदूषण को दूर करने के लिए भी चुंबकीय नैनो कणों का प्रयोग किया जाता है। ये नैनो कण जल में विद्यमान भारी वस्तुओं धातुओं को पृथक करते हैं, जल प्रदूषण को भी सही कर सकता है। फिर ये नैनो कणों का प्रयोग उत्प्रेरक एजेंट के रूप में किया जा सकता है। नैनो पदार्थों से निर्मित सूक्ष्म अर्धचालकों का सौर बैटरियों में प्रयोग करने से ऊर्जा उपयोग में कमी आती है। सूचना एवं संचार के क्षेत्र में देखते हैं, अत्यंत सूक्ष्म एकीकृत परिपथ के निर्माण में विशेषकर कंप्यूटरों में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन के नैनो ट्यूब का प्रयोग पिक्चर ट्यूब में करने से ऊर्जा उपयोग में कमी आती है। पिक्चर ट्यूब जो टीवी में लगती है। उपभोक्ता उत्पादकों के निर्माण के क्षेत्र में खाद्य वस्तुओं की पैकिंग में प्रयुक्त होने वाले आवरणों के निर्माण कार्य में नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है कहाँ पे, उत्पादक उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण में पैकिंग वैकिंग करनी हो, जिससे खाद्य पदार्थों की पैकिंग में ताप रोधक क्षमता बढ़ जाती है और गैसों के आवागमन को विनियमित करने की क्षमता विकसित होती है। वस्त्र उद्योग में नैनो तंतुओं के निर्माण प्रयुक्त है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड के नैनो कणों को लोशन बनाने में प्रयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं। चश्मों के शीशों में परावर्तन विरोधी क्षमता के विकास के लिए उन पर बहुलकों का लेप लगाया जाता है, जो नैनो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं। खाद्य पदार्थों में विषाक्त रोकने के लिए एंटी माइक्रोबिलियन नैनो इमल्शन का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में इनका क्या प्रयोग कर रहे हैं या कर सकते हैं। रोगी की पहचान करने में नैनो कणों तथा क्वांटम डॉट्स का प्रयोग उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के गंभीर रोगों जैसे अल्जाइमर, कैंसर तथा मेड काऊ में विशेष प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण होता है और अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में बनने के कारण पारंपरिक एलिसा विधि द्वारा इनकी पहचान कर पाना संभव नहीं है। इसकी पहचान करने के लिए सोने के नैनो कणों को पूरक डीएनए में संयोजन करके उसके साथ किसी अन्य धातु जैसे सिल्वर के कण जोड़ दिए जाते हैं और इस तरह प्राप्त हुआ प्रोब नमूने के संपर्क में आने अपने पूरक डीएनए के साथ संकरित हो जाता है। इससे प्राप्त संकेतों से विभिन्न संकेतों की जाँच की जाती है। अभी ये करेंगे शरीर में नैनो कण डाल देंगे सोने का, वो जाके रिएक्शन करेगा और जांच पता करेगा कि हाँ इसको ये बीमारी है, इसको ये है, कैंसर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। क्वांटम डॉट्स अधिकांश जीव वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में आंशिक संचालन क्रिस्टल होते हैं, जो नैनो कण ही हैं। इन क्रिस्टलों के आकार को बदलकर इनसे प्रकाश अवशोषण तथा उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सकता है। क्वांटम डॉट से उत्पन्न होने वाले प्रकाश का उत्सर्जन इनके आकार पर निर्भर करता है। क्वांटम व्यवहार की वजह से ये कार्बनिक प्रदीपशील अणुओं की तुलना में ट्यूमर को प्रतिलक्षित करने, अब ये ट्यूमर को भी देख रहे हैं, ट्यूमर को प्रतिलक्षित करने हेतु तो उपयोगी साबित रहे हैं। क्वांटम डार्ट्स या क्यूडाइट्स को एबीटैक्स भी कहा जाता है। अब देखते हैं नैनोबॉट्स या बायोमेम्स। नैनोबॉट्स या बायोमेम्स वस्तुतः बायो इलेक्ट्रिको इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोब है, जो रोगों की पहचान कर उसके निदान में सक्षम होंगे। ये रक्त प्रवाह के साथ परिवहन करने में सक्षम होंगे। यद्यपि नैनो बायोबॉट्स के विकास का कार्य पर शोध जारी है।
नैनो वैज्ञानिकों द्वारा बायोमेम्स तकनीक के आधार पर लगभग 7 नैनोमीटर लंबा एक छिद्र युक्त नैनोबॉट बनाया गया है उनके द्वारा। उसको क्या करें, उसमें इंसुलिन का निर्माण करने वाली प्रोकैरियोटिक आइसोलेट कोशिकाएं हैं इसके अंदर। इस तरह शरीर में आवश्यकता अनुसार इंसुलिन बनाकर वो रक्त में छोड़ता रहेगा। और उसके बाद कि नैनोबॉट्स पार्किंसन रोग के पीड़ितों के मस्तिष्क में डोपामिन भी पहुंचा सकेगा। ऐसे ही वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसी माइक्रो मशीन तैयार कर दी गई है जो खुलकर बंद होते समय उसमें लगाए गए सूक्ष्म धातुओं एवं जबड़ों द्वारा कुछ विशेष कोशिकाओं को पकड़कर उनमें डीएनए प्रोटीन सहित कुछ अन्य दवा डाल सकेगी। आगामी दशक में नैनोबॉट्स पूरी तरह से विकसित कर लिए जाएंगे। नैनोबॉट्स की मदद से पोषक तत्वों को सीधे रक्त धारा में प्रविष्ट कराया जा सकेगा तथा रक्त धारा में विद्यमान संवेदक शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता से संबंधित सूचना देंगे। अब देखते हैं नैनो मेडिसिन में क्या इनका प्रयोग किया जाता है। नैनो मेडिसिन को आणविक दवाएं भी कह सकते हैं। उपचार कार्य में इनका प्रयोग करने में आणविक मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है। वर्तमान में कैंसर के उपचार में प्रयोग हो रहा है। मानव रक्त का पुनः डिजाइन तैयार कर सकते हैं, करा जा रहा है इसकी थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी से। मानव रक्त का पुनः डिजाइन करके मनुष्य को अनेक लाभ हो सकते हैं। रुधिर कोशिकाओं को कृत्रिम रेसिपिरोसाइट्स में परिवर्तित कर मनुष्य को 4 घंटे तक बिना ऑक्सीजन के जिंदा रखा जा सकता है। सोच रहे हैं आप, माइक्रोन आकार के रक्त प्लेटलेट्स भी बनाए गए हैं जो रक्त स्रवण को जैविक प्लेटलेट्स की अपेक्षा 1000 गुना अधिक दर से नियंत्रित कर सकेंगे। नैनो रोबोटिक माइक्रो बीवर्स का भी विकास किया जा रहा है जिनका इस्तेमाल श्वेत रक्त कणिकाओं को प्रस्थापित करने में किया जाएगा। इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिए जाएंगे जो संक्रमणों का अपने आप नष्ट कर देंगे। ये प्रतिजैविक अपेक्षाकृत कई 100 गुना अधिक तीव्रता से कार्य करेंगे। रोगी को ठीक करने की प्राकृतिक विधियों को की क्रियाशीलता को कई गुना बढ़ाया जा सकेगा। अब देखते हैं इसका सेना के लिए क्या यूज है। इसका सैन्य कार्यों में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग है। ये वह काम करेगी जो अभी कल्पना मात्र है, लेकिन इसके साथ ही कई मानवीय व नैतिक सवाल भी उठेंगे कि भाई ये इंसानों के साथ कैसे कर सकते हो। ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग आतंकवादियों के विरुद्ध पूछताछ या हवाई अड्डों की जांच पड़ताल के लिए किया जा सकेगा। माइंड मशीन इंटरफेस एक ऐसी युक्ति है जो विमान चालकों और सैनिकों को उस तकनीकी हथियारों को नियंत्रण करने में सक्षम होगी। मतलब वो एक बार सोचेगा और ये माइक्रोन उसकी हेल्प करेंगे और वो अच्छे से अच्छे हथियारों को खुद ही हैंडल करने में होगा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। इस तरह के रोबोट बनाने की कोशिश। बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए सजीव रोबोट तकनीक का भी विकास किया गया है। इसको मस्तिष्क प्रत्यारोपण के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा। इसके लिए रिमोट निर्देशित पशुओं और सैनिकों का प्रयोग होगा। एक ऐसे हेलमेट का विकास किया गया है जो दूर से ही सैनिकों की मनोदशा का आकलन कर सकेगा। स्पंदन हथियार अन न्यूरो डिसरप्टर से चिंतन प्रक्रियाओं से छेड़छाड़ कर सकते हैं। मतलब आप कोई क्या सोच रहा है या कोई बड़ी मीटिंग में कोई साहब साइन करने आ रहा है या कोई नेता साइन करने आ रहा है, आप उस इस हथियार के थ्रू उसकी मन की जो वो है ना चिंतन उसको डिस्टर्ब कर दोगे, ऐसा भी कर सकते हो। अत्यंत सूक्ष्म कैमरे बनाए जा सकते हैं। छोटे सस्ते में अधिक कारगर हथियार बनाने में, समुद्र तल के नीचे शोध करने में, स्क्रैच प्रूफ मजबूत सतह के निर्माण में, अत्यंत पतला मगर अत्यंत मजबूत एवं सस्ता शीशा बनाने में, अदृश्यता जैसी स्थिति पाने में, मतलब कोई आपको देख ना सके, युद्ध भूमि में चिकित्सीय सहायता में, हल्के व तेज वायुयान में जो कम ईंधन खाएं, ऐसी पनडुब्बी वो विमान जो रडार में ना पकड़े जाएं, ये है नैनो टेक्नोलॉजी। और नैनो टेक्नोलॉजी में बस इतना ही। आगे हम देखेंगे इसके बाद कि भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग है इसके अगले भाग में। अभी आप ये वीडियो देखें। ये क्लेन बनाया है नैनो टेक्नोलॉजी का है। अभी देखिएगा आप, जैसे मैंने बताया ना, हल्के हल्का भी है, बाकी वाले जो इसके बगल में आए हैं ठीक है वो आया नैनो टेक्नोलॉजी वाला, उधर वाला, ये दोनों इधर के हैं। ये कार्बन फाइबर कंपोजिट एयरप्लेन है, नीचे मेटल का है, उसके ऊपर कार्बन फाइबर, सबसे ऊपर वाला नैनो टेक्नोलॉजी वाला है। अब देखिएगा ये मेटल वाला जो भारी है, इसका फ्यूल धीरे धीरे खत्म होगा, जल्दी भाई भारी है। फिर उसके बाद उसके ऊपर वाला, इसके इंजन की क्वालिटी भी अलग होगी, उसके ऊपर वाला फ्यूल खत्म होगा, सबसे लास्ट में नैनो टेक्नोलॉजी वाला चलता ही रहेगा। धीरे धीरे इसका फ्यूल खत्म हो रहा जा रहा, वो भी खत्म ही नहीं होगा। कार्बन फाइबर कंपोजिट प्लेन नीड्स मेटल मेश बट एट्स वेट एंड करोजन इशू।
अब इसको भी जाना पड़ गया, बारिश और इसमें ये बचा रहेगा, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। देखा था आपने ना, ग्लव्स भी नहीं भीग रहे थे, तो उसको मेटल करोजन इशू का उसे ही नहीं है, इसका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बनी रहेगी। वायरलेस डाटा ट्रांसफर का भी सीन है। अब कार का देखते हैं, जे नैनो टेक्नोलॉजी की कार आई, करंट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल उधर है, बीच में वाला पेट्रोल वाला है, और ये है अपनी नैनो वाली, ये 102 104 वो 100 ट्रिप माइल्स में चल रही है, उसको रिचार्ज करने की जरूरत पड़ जाएगी, वो पीछे गई। अभी पेट्रोल वाली चल रही, 121 122 में रेस चल रही है, इंजन देख लो आप, ऊपर गया। स्पीड बढ़ती जा रही है, हाइड्रोजन भर गया आगे, अब ये भी चल रहा है फोन। नहीं देखिए ऐसे फोन होंगे आपके, ये देख रहे हैं, मतलब हेल्थ के उसमें भी तो ये था नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, और ये ज्ञानवर्धक वीडियो रहा। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद।